नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और हम आपको शुरुआत कर रहे हैं यूपी की योगी एक्सप्रेस के साथ और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बड़े फरमान से जुड़ी हुई खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अफसरों को गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर एक नया फरमान सुनाया है। योगी सरकार ने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि स्वीकृत मानक से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल ना करें, यानी कि जितने की परमिशन है, जितनी गाड़ी एक अधिकारी इस्तेमाल कर सकता है उससे ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ ही जो अफसर रिटायर हो चुके हैं उनको भी अगर उनके पास सरकारी गाड़ी है वो तुरंत लौटाए, ऐसा आदेश योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को लेकर जारी किया है। तो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ अलग अलग फरमान जारी कर चुके हैं, एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है और अब इसके साथ ही अफसरों को लेकर ये दिशा निर्देश है। पहले अफसरों को कहा गया कि काम कीजिए वरना एक्शन लिया जाएगा। मंत्री जगह जगह औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग मौजूद नहीं हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब अफसरों को गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर ये फरमान जारी किया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी विशाल पांडे दे रहे हैं। विशाल, जरा पूरा फरमान बताइए योगी आदित्यनाथ का। आमतौर पर देखा ये जाता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल स्कूल को बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए किया जाता है, घर के कामकाज के लिए किया जाता है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है ये साफ तौर पे ये संकेत देता है कि जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अधिकारियों के द्वारा किया जाता था उस पर रोक लगाई जाए और गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा न किया जाए। जहां पर जरूरत हो सिर्फ वहीं पर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। और ये भी देखा जाता है कि जब अधिकारी रिटायर हो जाते हैं तो बहुत जल्दी अपनी सरकारी चीजों को छोड़ते नहीं है, तुरंत लौटाते नहीं है। तो उनको भी एक तरीके से सख्त हिदायत दी गई है राज्य संपत्ति विभाग को कि इन सब चीजों को तुरंत वापस लिया जाए। जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग मानक में नहीं आते हैं वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना कर पाए, तो ये सख्त हिदायत दी गई राज्य संपत्ति विभाग को। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी देने के लिए। यूपी में एक किसान मरा तो सब मरेंगे। कैसे इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्याओं की जो एक लंबा सिलसिला चला है उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए। जिन लोगों ने आज समय पे हस्ताक्षर नहीं किए, यहाँ पर आए या आके चले गए, उन लोगों का एक दिन का वेतन कटेगा। काम नहीं किया तो कटेगी सैलरी। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। एक महीने से भी कम समय में योगी सरकार के काम से सभी वाकिफ हो चुके हैं, या कहें तो अफसर ही नहीं बल्कि यूपी के मंत्री भी योगी से डरते हैं। अब की बार किसी किसान ने आत्महत्या कर ली तो हम जैसों की कईयों की हत्या कर देगा योगी। फुल एक्शन में काम कर रही आदित्यनाथ सरकार के मंत्री कैसे शहर शहर घूमकर रेट डाल रहे हैं।